आपके हिसाब से बर्गर कैसा रहना भाई? चीजी, जूसी और थिक पैटी के साथ। और ग्रिल चिकन कैसा रहना भाई? मेरे हिसाब से फ्लेवरफुल, ऐसा उसकी चमड़ी खींचे तो अंदर गुलाबी गोश्त दिखना। खुर्शीद, वेलकम टू चैनल भुक्का नवाब। आज मैं आपको आजमपुरा मलकपेट में राफ हाउस पे लेके आया हूँ जबरदस्त बर्गर, फ्लेवरफुल ग्रिल चिकन, पास्ता, ये वो फलाना ढिमकाना। वेट ना हो रहा, चलिए अपन अपनी खींच शुरू करते आइए। भाई ये जगह का नाम क्या है? रैप हाउस। यहाँ पे रैप जबरदस्त मिलते, लेकिन मैं आता हूँ बर्गर्स के लिए। बीच रस्ते में इनो क्या करे, ग्रिल चिकन डाल दिए। यहाँ का ग्रिल चिकन लेबनीज ग्रिल चिकन है। एक आता इंडियन, एक आता अरेबियन, एक आता लेबनीज। लेबनीज क्या है मालूम? सबसे मेरी जबान को जो लगता ना, चटपटा, स्पाइसी और फ्लेवरफुल। अगर सॉसी रहा तो वो मैं जैसा खाता हूँ वैसा रहता, जैसा यहाँ पे आखिरी सॉसी मिलता, हाईली फ्लेवरफुल मिलता। और ग्रिल चिकन तो है, उसकी चमड़ी जब खींचते अपन, आए हाय हाय हाय, जिस हिसाब से उन्हें अपने जिस्म को छोड़ती है और अंदर वो गुलाबी चिकन, अए क्या बात है। चलो, रुमाली रोटी है और वो ग्रिल चिकन को अपन क्या करेंगे, अरे रे रे रे, ये रुमाली रोटी लिए, ये ऐसा पीस को लूंगा मैं पूरा, ये सॉसी ऐसा लेके बिस्मिल्लाह बोले। और जो लेवल ऑफ फ्लेवर्स है ना, वो चमड़ी को इतनी हाईली फ्लेवरफुल है कि आपको स्क्रीन तक पहुंच गए होंगे, वो वहां बैठ के भी आप फ्लेवर्स को एक्सपीरियंस कर लिए, वैसे जबरदस्त फ्लेवर्स है, जबान को लग रहा अभी। चमड़ी के ऊपर जो उन्होंने मसाला भी डाले, विच इज अगेन वेरी फ्लेवरफुल, चाट मसाला के वैसा रहता। और एक और निवाला लूंगा मैं, ये टाइम चेस्ट को लूंगा हम, क्योंकि चेस्ट की तरफ आखिरी सॉसेस भरे हुए है। अये भैया, यकीन मानो कैमरा के पीछे जो बच्चा है उसकी जबान यहाँ से यहाँ उतर गई, उतना पानी आ रहा उसके मुंह में। चलिए भाई बिस्मिल्लाह। आहा भाई, ये बोल रहा था, देखो मैं सामने मेरे कोमा बर्गर है। इसका नाम कोमा इसलिए क्योंकि वाकई इसको खाने के बाद इंसान कोमा हो जाता। इसके अंदर एक नहीं दो दो पैटीज है। बोला ना मैं आपको, एक बर्गर में क्या क्या रहना, दो पैटीज रहना। चिकन में भी ले सकते हैं आप, बीफ में भी, बड़े में भी ले सकते हैं आप। अपन क्या है, मिक्स में मैच कर लिए, क्योंकि हर टेक्सचर हर टेस्ट खाना रहता आपने। साथ में चीज स्लाइस प्लस चीज सॉस, आखिरी चीज ही बना दिया। इन लोग क्या करते मालूम, ज्यादा मेसी हो जाता है ये, बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली चीजी, इसीलिए ये दो जो क्या है परनी के ग्लव्स देते। अपन क्या है मालूम, बड्डर पहलवान हैदराबादी है, अपने को ये चीजा नहीं समझ में आते। अपन डायरेक्ट क्या है, मेस्सी हुआ तो कोई बात नहीं, रोनाल्डो बना के खा जाएंगे उसको, ऐसी करके बिस्मिल्लाह बोले और फिर निवाला ले लिए। यकीन मानो आप, मेरी जबान पे वो चीज ऐसा तैर रहा था नाइल की नदी के वैसा। 240 रुपीज में दो पैटीज, साथ ही साथ इन्होंने ज्यादा चीज डाल के दे रहे। ऑल इन ऑल टू गुड, वर्थ इट है। इनके पास एक सनराइज बर्गर है। सनराइज बर्गर में फ्राइड चिकन की एक पैटी रहती, फ्राइड चिकन के ऊपर उन्होंने जबरदस्त एक चीज का स्लाइस डाल देते। और जबरदस्त, कितने बार बोल दिया अब तक, जबरदस्त तीन बार बोल दिया, क्यों? क्योंकि है जबरदस्त। सनराइज रनी एग योक, ये अंग्रेजों का है, एक बेहतरीन अंडा भी डाल देते। तो अंडे का क्या है मालूम, क्रीमी रहता अंडा, कैसा मुलायम मखमल के वैसा, रुमाल रहता नहीं वैसा रहता। उसके ऊपर वो जो कच्ची जर्दी बोलते हैं अपन, वो अंडा जैसा रहता ना, अपन उसको बाइट लिए तो एक अलग ही टेक्सचर्स और अलग ही फ्लेवर्स आते। मैं पहले खाया हुआ हूँ इसीलिए आपको पहले ज बयान कर दिया। हमें हालांकि बोल रहे होंगे, अरे खुर्शीद तुम्हारे खाए बिना कैसा, अरे भाई कितने की बार खा लिया हूँ मैं, लिटरली मेहदीपट्टनम से आगे मलकपेट पे यही खा लेते बट तो मन, एक दिन ये एक दिन वो ऐसा। चलो भाई बिस्मिल्लाह करके अपन निवाला लेंगे। आह मुँह में पानी आ रहा भाई, परफेक्ट बन है, क्रीमी एग योक, साथ में वो एग वाइट, वो भी मखमल और रुमाल, क्रिस्पी फ्राइड चिकन की पैटी, मतलब ये पूरे टेक्सचर्स विद दैट लेटेस्ट सॉसेस। इंसान के दिल में जितनी भी ख्वाहिशात है अगर वो पूरे नहीं हुए उसके बावजूद उसको ऐसा फील होने का है तो ये वाला बर्गर खा के देख लो आप, आखिरी क्रीमी है। नेक्स्ट आइटम यहाँ के जिंगर फिंगर्स है। अब जिंगर फिंगर्स के ऊपर पहले तो क्या है मालूम, फ्राइड चिकन ही थे वो, लेकिन बोनलेस, कुछ लोगों को हड्डी नहीं पसंद, जैसा मेरे वैसे लोगों को नगद मोटे मोटे गोश्त के बोल्ट के पिज्जा होना। ऊपर से इन्होंने एक जबरदस्त चटपटा स्पाइसी मसाला डाले। स्पाइस अपन क्या है खुर्शीद भाई, बोले तो स्पाइस के दीवाने चरपटे, अपने लिए बेस्ट आइटम है ये। लिए बिस्मिल्ला, पेरी पेरी फ्लेवर मुंह पे जबान पे उतर के रणवीर सिंह के साथ नाचा, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ। बाहर से एक्सट्रीमली क्रिस्पी है थैंक्स टू जो भी उन लोग बैटर यूज करें, लेकिन अंदर से जूसी है, एकदम जूसी। तो ये दोनों का टेक्सचर का जो कॉम्बिनेशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता, बहुत पसंद आया मेरे को। नेक्स्ट आइटम है चीजी लोडेड प्राइस, चिकन डाले इसमें, देखो
थोड़े लोग मेरे वैसे अतरंगी रहते, खाली प्राइस दिए तो ना बोले भाई प्राइस से हम बोर हो गए। तो रेस्टोरेंट ओनर्स क्या करें मालूम, प्राइस से आप बोर हो गए नॉट अ प्रॉब्लम, हम उसके ऊपर मसाला डालेंगे, उसके ऊपर फ्राइड चिकन डालेंगे और साथ ही साथ चीज भी डालेंगे। ये पूरे मिक्सचर के साथ आपको एक लजीज जबरदस्त टेक्सचर्स का एक स्टार्टर बना के दे देंगे, तो अपन वो स्टार्टर को एंजॉय करेंगे। चलो भैया लिए इसको कैसा भाई, जरा क्लोजअप दिखाओ लोगों को इसको, ऐसा बाहुबली के साथ धड़ बल के मार के पहले यूं गोल घुमा के पूरे टेक्सचर्स लेना, ऐसा लेना, ये लिए बात इतना बड़ा ले गया था मुंह में ऐसा लेके। चीजी लवर्स के लिए जन्नती आइटम है, बिकॉज ऐसा लिक्विड चीज को जब उन्होंने ऊपर हिरा दिए, तार दिए, सुला दिए, लिटा दिए, मार दिए, उसके बाद फ्राइज किसको पसंद है वो नरम नरम फ्राइज, क्योंकि सॉगी हो जाते हैं। ये क्रिस्पी वाला वर्जन नहीं है, आपको क्रिस्पी होना तो वो MCD चले आना, लेकिन ये चीज सॉस गिरने के बाद क्रिस्पी फ्राइज क्या है, थोड़े नरम हो जाते हैं विद दैट क्रिस्पी फ्राइड चिकन। ये है क्रिस्पी, इन लोगों का पूरा कॉम्बिनेशन आपके मुंह में जाके आपको बोलता है कि भाई वाह क्या जबरदस्त चीज खिलाए। नेक्स्ट आइटम यहाँ का अल्फ्रेडो पास्ता है, जो कि चीजी क्रीमी और इटालियन आइटम है। आप लोग क्या समझे, यहाँ पे खाली कॉन्टिनेंटल जो बर्गर्स रैप्स ग्रिल चिकन भी एक लेबनीज आइटम है, खैर पूरे यू नो क्या है मालूम, ऑल मिक्स फ्रूट जूस है अपने सलीम भाई जैसा बोले, टाइम वेस्ट नहीं करना जबान से, सीधा सीधा ये ऐसा पास्ता लिए, चिकन लिए साथ में बेल पेपर्स है और ये क्रीमी सॉस, बिस्मिल्लाह थम्स अप फॉर गुड पोर्शन ऑफ चिकन। अब चिकन का कैसा है बोले तो, मैं फूड ब्लॉगर हूँ तो कभी तो भी ज़्यादा डाल देते, उसमें क्या है अपन बोल देना पड़ता, लेकिन फ्लेवर्स की बात करेंगे अपन। क्रीमी चीजी वो सॉस ही चाहिए इतना ज़बरदस्त है कि आप इसको घर को ले लेके चले आना पीने, वैसा है नरम है पास्ता, ऊपर से एक उन्होंने चीज़ की टॉपिंग भी डाले, चिली फ्लेक्स भी डाले। ऑल इन ऑल मैं इसका बेस्ट जज नहीं हूँ, कहीं को बोले तो मैं इटालियन में पास्ता बहुत कम खाता हूँ, पिज्ज़ा ही खा लेते हैं फिर लेते हैं अपन। आप आगे खा के देखो, कमेंट सेक्शन में बता दो, मेरे को तो वाकई ये बहुत अच्छी चीज़ दिखी। इसको बोलते देखो बर्गर, इसको बोलते देखो ग्रिल चिकन, इसको बोलते देखो पास्ता। मैं आप लोगों को ये क्यों बोल रहा हूँ जबकि आप लोग पूरों को मालूम है ये किसको क्या बोलते हैं। एनी हाउ मेरा बोलने का मतलब ये कि अपन भूखा ना हो, आप ठहरे, अपने को क्या है खाना पीना चलते रहता, मेरे वैसा ये चीख मार चड्डी फाड़ दिल बोले बार बार वाले खाने के आइटम जो है, चाहे वो कोमा बर्गर हो, चाहे वो लेबनीज ग्रिल चिकन हो, चाहे वो अल्फ्रेडो पास्ता हो, या वो सनराइज बर्गर, या अरे भाई पूरे आइटम आप बोल दिए तो आप लोग बोलेंगे मेरे को अरे भाई इसको पैसे मिले, नहीं मिले रे भाई पैसे, 100 आइटम्स में से वो 5-10 आइटम्स में चूज करके उसको ही बता रहा हूँ मेरी जबान को जो सही दिखे। एनी हाउ ये सब जबरदस्त चीजें खाना है तो आपको आजमपुरा सईफा मस्जिद के सामने रैप हाउस बोल के जो जबरदस्त जॉइंट है, मैं आया खाया मेरे को पसंद आया, आप भी आइए खाइए, पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए क्या करना है कमेंट सेक्शन में लिख दो आप, मैं तो अब तक 80 वीडियो में बोल दिया, अब फिर से बात करेगी बुलाए बोले तो गलत बात है। आए तो अपन कभी भी क्या बोलना मालूम भाई, सबसे जूसीएस ग्रिल चिकन दियो और सॉसी जैसा मैं बता रहा हूँ ना आपको ये वीडियो में, आता देखो देखो ये आता दिख रहे, इसलिए क्या है ग्लव्स लेना बोलते, मेरे चेहरे पे भी दिख रहा हूँ आपको। इससे पहले जो खाया ना मैं अच्छा था भाई, इसीलिए बात बात को आया मैं, लेकिन आज इन्हों क्या जादू फिरा दिया कि नहीं मालूम, डबल ट्रिपल चबल कर दिए। मेरे ख्याल से कैमरा ले लेके आया तो उन्होंने आखिरी हर एलिमेंट को ऑप्टिमाइज करके बोले कि भाई सबसे जूसीएस खिलाऊंगा, सबसे क्रिस्पीएस खिलाऊंगा, सबसे फ्लेवरफुल, सबसे चीजीएस। ऑल इन ऑल चीख मार चड्डी फाड़ थी पूरे चारों आइटम्स।